प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लगातार प्रयास जारी है। आज भी अनेकों महत्वपूर्ण फैसले बैठक में हमने लिए हैं। मुख्य रूप से आइसोलेशन की व्यवस्था, रोग के लक्षण दिखे तो टेस्टिंग की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, उसके लिए बड़े महानगरों में विशेषकर 7 संभागीय केंद्रों पर अलग अस्पताल, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इसकी व्यवस्था हम करेंगे। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को पीपीई किट देने की व्यवस्था, जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, और विशेषकर 104 और 181 जो हमने टोल फ्री नंबर दिए हैं उनको और प्रभावी बनाने की व्यवस्था, इस काम में हम लगातार लगे हुए हैं। एक अपील मैं करना चाहता हूं उन भाइयों और बहनों से जो मध्य प्रदेश के बाहर काम के लिए गए थे, वो चिंता ना करें, घबराएं ना। मैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहा हूं, मुख्य सचिवों से हम चर्चा कर रहे हैं, वो जहां हैं वहीं उनके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था के लिए हम उन राज्य सरकारों को अपील कर रहे हैं। और उनमें से जो सीमा पर आ गए हैं, हमने कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं सीमावर्ती जिलों के कि कैसे बिना किसी परेशानी और संकट के और सावधानी रखते हुए हम उनको यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सके, इसके प्रयास भी हम कर रहे हैं। घबराइए मत, संकट है लेकिन इस संकट के पार हम आपको निकाल के ले जाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए उन्होंने राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट के तहत जिनके बैंक खाते हैं, ऐसे 20.5 करोड़ बहनों को अगले 3 महीने तक 500 रुपया प्रति महीने सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधी बैंकों में डलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त रसोई गैस दी जाएगी। और प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक मिलेंगे, 1 किलो दाल भी प्रदान की जाएगी और यह सभी निःशुल्क मिलेगा। इसके अतिरिक्त और अनेकों राहत पैकेज में घोषित की गई है। प्रधानमंत्री जी, आपका अभिनंदन, और मेरा विश्वास है कि संकट की घड़ी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जनता को संकट के पार ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों, बेटे और बेटियों, कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए हम लगातार युद्ध कर रहे हैं। मैं और सरकार स्थिति पर सजगता से नजर रखे हुए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं। हमारे अनेकों भाई बहन ऐसे हैं जो विदेशों से मध्य प्रदेश में आए हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, मतलब अलग थलग कर लें, ताकि ये रोग फैल ना सके। और उनसे मिलने वाले भाइयों और बहनों से भी मेरा निवेदन है कि यदि उनमें रोग के कुछ लक्षण दिखें तो वो भी अपने आप को अलग थलग कर लें, क्वारंटाइन कर लें, ताकि स्थिति पर पूरा नियंत्रण किया जा सके।
इस बीमारी को समाप्त करने के लिए आपका सहयोग जरूरी है, ताकि हम अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, मिलने जुलने वालों को इस रोग की जद में आने से बचा सकें। सावधानी में ही सुरक्षा है। धन्यवाद।